तारीख अगली लग गई महाराज जी, राम मंदिर निर्माण को लेकर के क्या आपको लग रहा है कि जल्दी कोई फैसला होगा? यह जल्दी फैसला होना चाहिए। बार बार जो यह 4 तारीख 5 तारीख 10 तारीख जो हो रहा है, इससे साधु महात्माओं आक्रोश है और गुस्से में है। मंदिर हमारा आस्था की विषय है और हमारा विश्वास है। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि हम कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता। प्रधानमंत्री जी भी 1528 में उन्होंने बाबरी मस्जिद खड़ा नहीं किया था, जैसे हमने 92 में ध्वस्त कर दिया, वैसे यदि जल्द से जल्द वह सुनवाई नहीं करेगा और जल्द से जल्द अध्यादेश या चाहे कोर्ट से फैसला नहीं आएगा, तो जैसे बाबरी मस्जिद जो विध्वस्त हुआ उसी तरह हम श्री राम जन्मभूमि को हम निर्माण करेंगे। नीयत दिख रही है क्या आपको सरकार के अंदर मंदिर बनाने की? बिल्कुल नहीं, देख रहे हैं कि सरकार बनाई है। सरकार उन्हें तो टपना ही नहीं टपना है, बस तो बनाना ही बनाना है। सबों का ये विचार। साधु संत नाराजगी दिखा रहे हैं कि वहाँ मोदी को चुना, योगी को चुना कि मंदिर बनेगा, क्या वो अपेक्षाएं पूरी हुई? समय बीतने के बाद जो है ये उसको आसानी देखना है, बस भीड़ भाड़ के जो है उसको सब एकत्रित होकर के बनाना है अपने से। साधु महात्मा खुद बनाएंगे, अपेक्षाएं पूरी हुई क्या? बिल्कुल अपेक्षाएं पूरी होगी। यह दृढ़ विश्वास है कि हमारे यह मोदी सरकार है, चाहे देर हो अंधेर नहीं है, वह अवश्य वो बनाएगा। वह केवल हम लोगों का सन्मुख रहेगा, बनाएंगे तो हम लोग। धर्म संसद में क्या फैसला होगा? धर्म संसद में यही फैसला होगा कि हम हमारी राम मंदिर को जो विध्वंस किया था वह राम मंदिर का निर्माण होगा, यही हमारे फैसला होगा। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि इस मामले में पक्षकार इकबाल अंसारी से जुड़ा एक बयान आपको दिखा देते हैं, जिनसे बात की हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव। लेकिन इस बीच अयोध्या विवाद पर इकबाल अंसारी ने कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई होगी और समय सीमा के भीतर हमें जो भी फैसला आएगा वो मंजूर होगा। अयोध्या विवाद पर जल्द सुनवाई की मांग खारिज कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि समय सीमा के भीतर निर्णय की PIL नामंजूर हो गई है। अयोध्या विवाद पर अब नए सिरे से सुनवाई होगी, नई बेंच का गठन होगा और उसी बेंच द्वारा यह फैसला लिया जाएगा कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनेगा या नहीं। और इस बीच आपको ये भी सुना देते हैं कि इकबाल अंसारी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, उनसे बात की हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव ने। देखिए मामला जो है कोर्ट का है, कोर्ट जो भी कुछ करेगा लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि हम फैसला सुनने जाते हैं कि फैसला कोर्ट करे, कोर्ट तारीख दे देता है, तो आज का कोई नई बात नहीं है। जब भी आदमी कोर्ट कचहरी जाएगा तो कब तक जाएगा किसी को पता नहीं रहता। हमारे वाले साहब 70 साल गए, इसमें नुकसान उन्हीं का है जो लोग इसमें राजनीति करते हैं, ना भाजपा को नुकसान है, किसी पार्टी को नुकसान नहीं। भाजपा तो अपना काम कर रही है, कौन सी परेशानी है? लोग अब लोग कहते हैं भाजपा के जो है भाजपा का काम खराब है। क्या काम खराब है? हम तो नहीं जाते जो उन्हें देख रहे हैं कि भाजपा कोई काम खराब कर रही है। नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया कि वो कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे, कानून की बात सुनेंगे उसके बाद करेंगे, क्या इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल ठीक कहा है मोदी जी ने, जो कि कहा ठीक कहा है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो करेगा वो देखा जाएगा। कुछ लोगों की निजी राय ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट जानबूझकर इस मामले को टाल रही है, और ये उन लोगों की निजी राय है, लेकिन क्या आपको पूरी तरह से भरोसा है कि जो भी फैसला आएगा वो पूरी शांति से समझदारी से सब लोग स्वीकार करेंगे और उससे मसले का हल निकल आएगा? देखिए कोई काम अगर देर भी होता है तो दुरुस्त भी होता है, ये भी है, क्योंकि मामला जो है कोर्ट सबूतों के आधार पर चलता है, लोगों के कहने पर नहीं, रोड पर राजनीति करने से नहीं। कोर्ट सबूत मांगता है, कोर्ट को सबूत चाहिए, पेपर चाहिए, कोर्ट जो भी काम करेगा, जो क्योंकि हिंदुस्तान का नियम और कानून है, कानून बने हुए हैं, कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो दुरुस्त होगा। तो कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंतजार करेंगे, जब फैसला आएगा वो मंजूर जरूर होगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, RP सिंह है हमारे साथ, BJP से वसीम रिजवी साहब भी हैं, मौलाना अंसार रजा, राहुल ईश्वर जुड़ेंगे हमारे साथ, इसके अलावा पूजा शाली सुप्रीम कोर्ट से, शिवेंद्र हमारे साथ अयोध्या से हैं, और प्रयागराज कुंभ से हमारे साथ आशुतोष मिश्रा मौजूद हैं। वसीम रिजवी जी, अगला सवाल मेरा आपसे, एक जो माहौल इस वक्त बन रहा है, ये जो पूरी बहस शुरू हुई है राम मंदिर मसले को लेकर, बेहद संवेदनशील है अपने आप में, इसलिए भी साधु संत समाज अलग दम भर रहा है। अगर कल को वो सड़क पर उतरते हैं उनके खिलाफ ऐसा लगेगा कि फिर दूसरा पक्ष भी आएगा। इस पूरे माहौल को देखकर ये जो आंदोलन की स्थिति बनती नजर आ रही है, इस विभाजन को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए आज जो 10 तारीख की डेट दी गई है, हम उससे मुतमईन इसलिए हैं कि अब ऐसा लगता है कि अब ये शायद नौबत ना आने पाए और 10 तारीख से लगातार इस केस की सुनवाई शुरू हो जाए और 10 तारीख से पहले एक बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और ये बहुत मुतमईन बख्श फैसला है पूरे हिंदुस्तान के लिए। और अब कोर्ट से पूरी उम्मीद ये है कि अब कोर्ट इस मामले को सीरियस लेकर और जल्द से जल्द कोई फैसले की तरफ बढ़ेगा।
और जहां तक के सवाल यह है कि आक्रोश पैदा हो रहा है, देखिए आक्रोश तो लोगों में पैदा इसलिए हो रहा है कि राम मंदिर बनने में देरी हो रही है। ये समझौते से मामला तय हो सकता था, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों की वजह से, उनकी हठधर्मी की वजह से, कुछ चंद मुल्लाओं की वजह से यह मामला तय नहीं हो पाया। लोग जाते थे प्रधानमंत्री से, जैसे अभी बात की गई कि प्रधानमंत्री इसमें इन्वॉल्व होते और बातचीत करते, कई बार कई प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन लोग जो गए हैं वो सिर्फ प्रधानमंत्री से मिलने गए अच्छे कपड़े पहनकर, बाकी उनके साथ फोटो खिंचवा कर चले आए और कोई भी समझौते की बात लेके नहीं गए, देने या लेने की कोई बात लेके नहीं गए। और जब तक कि आप किसी भी मीटिंग में कंप्रोमाइज की स्टेज पर नहीं बैठते हैं तो कभी कंप्रोमाइज नहीं होता। छोटा सा सवाल है, एक पक्ष है इकबाल अंसारी का जो कह रहे हैं कि अध्यादेश न लाने का जो प्रधानमंत्री का फैसला है वो सही है, एक पक्ष है साधु संतों का जो सर्वोच्च न्यायालय पर ही सवालिया निशान उठा रहे हैं, उनकी मंशा पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, ये जो एक स्थिति बन गई है इससे कैसे पार पाएंगे प्रधानमंत्री? नेहा जी देखिए, एक स्टैंड चल रहा है कि पहले मुसलमानों को दोषी ठहराओ, फिर समाज को दोषी ठहराओ, अब कुछ नहीं बचा तो अब सुप्रीम कोर्ट को ये दोषी ठहरा रहे, सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इतना बड़ा पाप है ये कि जिसका कोई शुमार नहीं। दूसरा, मोदी जी ने जो बात कही है कि हम अध्यादेश नहीं ला सकते हैं, मोहन भागवत ने कहा था कि किसी भी हाल में हो हमको 2019 से पहले आप चाहे अध्यादेश लाओ चाहे कानून बनाओ, यही बात उन्होंने कही थी। ये बात अच्छी तरीके से आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को समझ लेना चाहिए कि जिस आदमी का नाम नरेंद्र मोदी है वो ना तो आरएसएस के कंट्रोल में है और ना वो विश्व हिंदू परिषद के कंट्रोल में है, वो आजाद आदमी है, जो फैसला कर दिया वो कर दिया। अब तुम चाहे जितना चिल्लाते रहो तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। जवाब दीजिए। देखिए मैं इनको पहले भी सुन रहा था, इन्होंने तीन मुद्दे कहे थे, उस पर मैं बड़ी देर से जाकर स्पष्टीकरण कर दूं। पहली बात समझिए, जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा है वो महिलाओं के अधिकार का विषय है, सबरीमला का विषय दूसरा विषय, वो महिलाओं का अधिकार का, महिलाओं का विषय नहीं, लोगों की आस्था का विषय है। दो महिलाएं घुस गई परसों से सफाई हो रही है, आप कह रहे हैं महिलाओं का विषय नहीं है? सर मैं क्या बात करते हैं सिंह साहब आप, अरे आप भी झूठ बोलने लगे। अंसार आजादी बात तो सुन लीजिए, अच्छा जब आप बोल रहे थे भी आपको सुन रहे। सॉरी मैम, सॉरी आप टोका आपका मैंने, सॉरी सर, सॉरी सर, मैंने बोल दिया। कितने कितने कैसी हालत होगी देश में आपकी, मतलब अरे सर हो तो गया यार, अब बोलिए ना। सुनिए सर, बात तो सुनिए, जेंडर, हाँ बड़ी कृपा, जेंडर इक्वालिटी का इश्यू अलग है और आस्था का इश्यू अलग है, पहली बात समझिए। तीसरी बात, जहां तक राम मंदिर का विषय, प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, अब कोर्ट का फैसला देखते हैं कैसा, कोर्ट का क्या रुख रहता है उसके अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। मैं वापस कह रहा हूं, सब रास्ते खुले हैं, कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हुए रास्ते कब हम बंद कर रहे हैं? और आप मुझसे बार बार कुछ कुरेंदे जाते हैं, उसका जवाब एक ही मिलेगा कि रास्ते खुले हैं परंतु कोर्ट के फैसले का इंतजार अवश्य करेंगे।